वेलकम टू योर चैनल डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस सीजन्स ऑफ इंडिया एंड हाउ वेदर चेंज डे टू डे एंड हाउ सीजन्स साइकिल इज फॉर्म्ड इन इंडिया। एंड यू हैव ऑलरेडी listen and read in newspapers and watch on TV how weather is discussed by people, or even sometimes headlines are given in newspapers, or sometimes with advertisements or other mass media communications are shown on TV channels. So here we will discuss all about the seasons and cycle of seasons and how many types of seasons are there in India. We will discuss one by one in this chapter in a historic manner. एक कहानी के माध्यम से we will learn all these facts in this chapter. So here let's start. You read in newspaper daily and watch on TV. You have read in newspapers daily and watch on TV. ठीक है, आप सभी ने टी वी के ऊपर देखा होगा, अखबारों के अंदर भी पढ़ा होगा, और हियर्स अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर, और अन्य लोगों को भी मौसम के बारे में बातें करते हुए सुना होगा। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफेयर। आप सभी जानते हैं कि जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, वो अपने दिन प्रतिदिन के जो घटने वाली घटनाएँ होती हैं उसको हम वेदर या मौसम बोलते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एट्सेट्रा। इसके अंदर देखिए, वेदर के अंदर क्या क्या शामिल होता है, मौसम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स रैपिडली, रेनफॉल ऑक्योर्स एंड समटाइम्स सन इज वेरी हॉट एंड समटाइम्स सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। ऑल दीज हाइड एंड सीक गेम्स प्लेड बाई द सन यू कैन नोटिस during the daytime or during a cloudy weather. All these happens due to various factors. Here we are going to discuss this in this chapter. For example, as such it may be hot or cold. देखिए, कभी कभी आपको महसूस होता है आज गर्म दिन है, अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, सनी और क्लाउडी। कभी कभी आपको देखते हैं तो अचानक तेज़ धूप आ जाती है, फिर बादल आ जाते हैं, विंडी और काम, कभी कभी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, और कभी मौसम एकदम शांत हो जाता है। ये सभी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, ये सभी प्रकार की घटनाएं कहाँ ओक्योर होती हैं, कहाँ पर हैपन होती हैं, ये सभी प्रकार की घटनाएं, इन्हीं को हम मौसम बोलते हैं, यही मौसम कहलाता है। और ये सभी की सभी एटमॉस्फेरिक घटनाएँ जो होती हैं, ये हमने जो अपना क्लाइमेटिक के अंतर्गत हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था अपना लेयर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परतें, उसके अंतर्गत जो अपना ट्रोपोस्फियर होता है, शोभ मंडल होता है, शोभ मंडल के अंदर ये सभी घटनाएं घटित होती हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। आपने ये भी महसूस किया होगा, ये भी ध्यान दिया होगा कि जब लगातार काफ़ी दिनों तक गर्मी पड़ती रहती है, गर्म दिन रहता है, तो आपको जो है गर्म वस्त्रों की जो है आवश्यकता नहीं रहती है। यू नीड नॉट एनी वार्म क्लॉथिंग्स, इट मीन्स आपको गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। देन व्हाई वी वियर लाइट क्लॉथ्स, फिर हम ये अपने जो हल्के कपड़े हैं वो क्यों पहनते हैं। देखिए, इनके पीछे भी जो हम क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, उनके पीछे भी एक स्टोरी है, उनके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि जो लाइट क्लॉथ्स होते हैं, दे आर लाइट बिकॉज दे रेडिएट द हीट फ्रॉम द सन, एंड द डार्क और जो वुलन क्लॉथ्स अब्जॉर्ब, दे डिड नॉट एस्केप द बॉडी हीट फ्रॉम द टू एस्केप, एंड द लाइट क्लॉथ्स आर वेरी लाइट एंड दे रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट सन्स हीट, सो दे कीप द बॉडी कूल। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक
कोल्ड थिंग्स, इन हॉट वेदर यू लाइक टू ईट ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। देखिए जो गर्मी का मौसम होता है उसमें आप ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं या ठंडी चीज़ें पीना पसंद करते हैं। इन कंट्रास्ट देर आर डेज टुगेदर, इसी के साथ आपने और विभिन्न प्रकार के दिन देखे होंगे। यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लॉथ व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। देखिए इसके विपरीत यदि हम कोल्ड वेदर सर्दी के मौसम की बात करें तो उसमें आपको ठंड लगती है, तेज हवाएं चलती हैं, वो भी आपको चिल लगती हैं, वो भी आपको बहुत ठंडी लगती हैं। और ऐसे में आप जो कुछ गर्मा गर्म जो है कुछ खाना चाहेंगे, कुछ गर्म पीना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जो वेदर होते हैं, वेदर जो है इंसान के जो ह्यूमन बीइंग हैं उसके बॉडी को और इवन इसके नेचर को जो है काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकग्नाइज इन इंडिया आर, भारत के अंदर देखा जाए मुख्य तौर पर 4 प्रकार के जो सीजन्स हैं वो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो हम देखते हैं। कोल्ड वेदर सीजन जिसको कि विंटर सीजन भी बोला जाता है, कोल्ड वेदर सीजन जिसको कि विंटर सीजन भी बोला जाता है, इट इज़ फ्रॉम नवंबर दिसंबर टू जनवरी फरवरी, यानी नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होता है और ये जनवरी फरवरी तक चलता है। इट मीन्स 3 मंथ्स जो इनका पीरियड होता है 3 मंथ्स। उसके बाद आ जाता है आपका हॉट वेदर सीजन, यानी इसको समर सीजन भी बोलते हैं, मार्च टू मई इसको बोला जाता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, उसके बाद जो आपका आ जाता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन। देखिए हॉट वेदर के अंदर क्या होता है, हॉट वेदर के जो पर्टिकुलरिटीज़ होती हैं, देर आर सम हॉट विंडी एरियाज वेयर एंड दे विंड आर नोन एज लू इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स एंड साउथ वेस्ट मानसून सीजन, दैट इज़ द रेनी सीजन इन इंडिया। एंड इन इंडिया द रेनी सीजन इज एडजॉइंट विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बिकॉज इट ब्रिंग्स फ्रूटफुल रिजल्ट फॉर द फार्मर्स एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ब्रिंग्स प्लीजेंट वेदर, समटाइम्स ब्रिंग्स हैवी स्टॉर्म विद हेल्स and brings total rainfall most of India during southwest monsoon season. So it is known as rainy season. Most of the rain occurs during this season in India. And that is June to September ये आपकी occurs होती है। June to September में अपनी ये जो seasons आता है, ये जो आपका rainy season होता है ये। Next सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, पीछे हटता हुआ मानसून, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटम सीजन पतझड़, एंड इट ऑक्यूज इन अक्टूबर टू नवंबर। ऑल सीजन्स आर कंपाइल्ड विद 3 मंथ्स, कैटेगराइज इन 3 मंथ्स ड्यूरेशन। तो दीज आर द वेदर एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस, एंड नाउ वी विल डिस्कस वन बाई वन इन डिटेल। हियर We will discuss first of all cold weather season or winter season. During the winter season, here we are discussing winter season and its features. During the winter season, the sun rays do not fall directly in the region. देखिए क्या होता है कि जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में सूर्य की किरणें जो होती हैं वो डायरेक्ट किसी क्षेत्र के ऊपर नहीं पड़ती हैं। ये जो है इसका जो हमने देखा है कि जो सूर्य के जो अपरेंट मोमेंट्स होते हैं, वेदर इट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस डिस्क्राइब्स द सीजन्स इन पर्टिकुलर हेमिस्फीयर। When it is in the northern hemisphere, then northern hemisphere experiences the hot weather or the summer weather. Or when it inclines towards the southern hemisphere, the southern hemisphere enjoys summer hot weather conditions, and the other sphere will experience the cold weather. As a result, the temperature are quite low in northern India, and when it is in winter in northern hemisphere, its temperature falls rapidly.
देखिए जब सर्दी की ऋतु होती है तो सर्दी की ऋतु में सूर्य की किरणें भी लंबवत नहीं पड़ती हैं और जो तापमान है, तापमान जो भारत के उत्तर मैदान है उनमें तीव्रता से गिरता है। नेक्स्ट जो हमारा है हॉट वेदर सीजन और समर। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल्स इन दिस रीजन। इस क्षेत्र के अंदर देखिए सूर्य की किरणें जो होती हैं सीधी और लंबवत पड़ती हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, और सीधी होने की वजह से द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली, द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी उच्च हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो दैट इज़ नोन एज ब्लू। यहाँ पर जो तेज़ गति से चलने वाली जो कई बार जो स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर तेज़ गति से चलने वाली जो स्थानीय पवने होते हैं लोकल विंड्स होती हैं उनको लू कहा जाता है। दैट ब्लो ड्यूरिंग द डे, जो कि दिन के समय बहती हैं। समटाइम्स दे ब्लो इवन लेट नाइट, कभी कभी ये जो पवने होती हैं जो लू होती हैं ये देर रात तक जो चलती हैं, जिससे कि मौसम में जो थोड़ा सा मानव को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा सा इजीनेस नहीं होती है। एंड समटाइम्स दे प्रूव फैटल इफ डायरेक्ट एक्सपोजर इज इन दिस लूज। पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री हियर वी हैव ए फन टाइम। पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री ड्रिंक डेलिशियस कोल्ड ड्रिंक्स कॉल्ड शरबत मेड फ्रॉम फ्रूट्स अवेलेबल इन देयर रीजन्स। देखिए जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम के अंदर यहाँ पर देखिए कहने के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि भारतीय जो लोग होते हैं वो शरबत पीते हैं, एक डेलिशियस इनका जो पेय पदार्थ होता है शरबत पीते हैं, जो कि वहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं ऋतु के अनुसार उस क्षेत्र के अनुसार तो उसे बना करके अपने जो शरबत पीते हैं। दे आर एक्सीलेंट थ्रस्ट क्वेंचर्स एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडीज फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ द हार्श लूज। देखिए ये जो विभिन्न प्रकार के जो अपने मौसमी फल होते हैं इनसे जो विभिन्न प्रकार के जो शरबत बनाए जाते हैं ये कि थ्रस्ट क्वेंचर्स होते हैं, प्यास बुझाने वाले होते हैं और हमारे शरीर को जो डायरेक्ट जो ये जो अपनी हार्श लू चलती हैं विषमकारी भयंकर जो लुए चलते हैं इन लुओं के प्रभाव से हमें बचाते हैं। हैव यू ट्राइड शरबत, क्या आपने कभी शरबत बनाया है? मेड फ्रॉम रॉ मैंगो, कच्चे आम से कभी आपने शरबत बनाने की कोशिश की है? बेल लेमन टैमरेंड कोकुम फालसा वाटरमेलन एंड बटर मिल्क मेड फ्रॉम कर्ड्स, क्या आपने कभी इनसे शरबत बनाने की कोशिश की है? क्या आपने कभी इनका शरबत पिया है? फॉर एग्जाम्पल छाछ मट्ठा मोरी चास एट्सेट्रा, दीज आर द टाइप्स ऑफ शरबत्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स। मैनी मेक बनाना एंड मैंगो मिल्क शेक्स टू, बहुत से लोग जो हैं जो बनाना और मैंगो शेक्स भी इस दौरान बना करके पीते हैं। आफ्टर हॉट समर, देखिए जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है उसके बाद द फर्स्ट रेन्स ब्रिंग मच जॉय, जो वर्षा ऋतु आती है बरसात की जो पहली बौछारें होती हैं वो कुछ सूदिंग्स होती हैं कम्फर्टेबल लेके आती हैं लोगों के लिए। ऑल ओवर लैंग्वेजेस हाउ मेलोडियस सॉन्ग्स ऑन रेन्स, हमारी लगभग सभी भाषाओं के संदर्भ में यदि हम बात करें, हमारा जो संविधान के जो अनुसूची 8 है अनुसूची 8 के अंतर्गत जो 22 भाषाओं को जो मान्यता प्रदान की गई, वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर मोर देन 600 लैंग्वेजेज आर स्पोकन, भारत के अंदर 600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी हैव रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेज, हमारे यहाँ पर जो 22 भाषाओं को जो एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो उन भाषाओं के अंदर जो है भारत के अंदर जो बरसात होती है बरसात के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के सॉन्ग्स जो हैं लोगों के द्वारा कंपोज किए गए हैं बनाए गए हैं। दे साउंड हैप्पी एंड ब्रिंग चीयर, ये लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं और लोगों के अंदर खुशियाँ लेकर के आते हैं। लर्न टू सॉन्ग्स ऑन रेन्स एंड सिंग देम टुगेदर, यहाँ पर बताया गया है कि आप वर्षा ऋतु के संबंध में दो गीत याद कीजिए और उन गीतों को गुनगुनाइए एक साथ। राइट और कलेक्ट 5 पोएम्स ऑन रेन्स, और वर्षा ऋतु पर 5 कविताएं इकट्ठी कीजिए और उनको सुनाइए। आस्क योर फ्रेंड्स नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स फॉर नेम्स
फॉर रेन्स एंड अदर सीजन्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग ऋतु के अंदर, सॉरी अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, अलग अलग भाषाओं के अंदर जो ऋतुओं के नाम हैं उन ऋतुओं को अलग अलग भाषाओं में जानिए। लाइक वर्षा, हिंदी, हिंदी के अंदर हम बारिश को क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। पौष, मराठी के अंदर इसको पौष बोला जाता है। बारिश उर्दू के अंदर बोला जाता है एंड बोरसा बंगाली के अंदर बोला जाता है। तो ये हमारा जो एक तरह से डिस्कशन दिया हुआ था वेरियस, ये काफ़ी आपके लिए नॉलेजफुल जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए। और ये अभी नेक्स्ट जो हमारा सीजन है साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून सीजन या जिसको हम वर्षा ऋतु भी बोलते हैं, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मानसून। इस ऋतु की जो शुरुआत होती है, इस ऋतु का जो आगमन होता है वो मानसून के आगमन के साथ ही हमारी जो इस ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए इसको मानसून का आगमन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के साथ जो हमारे जो प्रथम बारिश होती है वो शुरू हो जाती है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स द लैंड। ये पवनों की दिशा जो होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, पवनें जो हैं महासागरों से धरातल की ओर चलने शुरू हो जाती हैं और हमारे जो अरेबियन सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो पवनें हैं वो भारतीय धरातल की ओर चलने शुरू हो जाती हैं। एज दे कैरी मॉइस्चर, क्योंकि इनके अंदर नमी होती है। वैन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, और जब ये पर्वतों से टकराती हैं जो एक अवरोधक का काम करते हैं, रेनफॉल ओक्योर्स, तो इनसे बरसात होती है। तो मोस्टली जो मोस्ट रेनफॉल ओक्योर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एज वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स द अमाउंट ऑफ रेन डिक्रीजेज एज वी मूव अहेड। जैसे जैसे हम पूर्व उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वर्षा का जो अनुपात है, वर्षा का जो रेशियो है वो घटता चला जाता है। हियर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, देखिए पीछे हटता हुआ मानसून भी इसको बोल देते हैं, पतझड़ की ऋतु भी इसको बोला जाता है कई क्षेत्रों के अंदर। तो इसमें देखिए पवनों की जो दिशा होती है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड और टू द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी। देखिए पवनें जो हैं वो मुख्य भूभाग से फिर से अरब सागर की ओर बहना शुरू हो जाती हैं, यानी धरातलीय पवनों की गति शुरू हो जाती है। अभी तक जो ऑनसेट मानसून के अंदर जो सिस्टम था वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, उसमें पवनें जो हैं स्थल महासागरों से स्थल की ओर चल रही होती हैं, इसमें स्थल से पवनें महासागरों की ओर चलेंगी, क्योंकि स्थल जो हैं वो शुष्क भूभाग होते हैं और वहाँ से जो पवनें होती हैं नमी धारण नहीं कर सकती हैं, जिससे कि वर्षा, ये जो पवनें होती हैं ये ड्राई होती हैं और ड्राई होने की वजह से अधिकांश क्षेत्र जो हैं वो शुष्क रहते हैं, वर्षा नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, इसको पीछे हटते हुए मानसून का ऋतु भी कहा जाता है। द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। देखिए तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं, ये हिस्से इस जो पीछे हटता हुआ मानसून है इससे बारिश प्राप्त करते हैं। रीजन क्या है, वाई, व्हाट इज़ द रीजन, बिकॉज दे क्रॉस द बे ऑफ बंगाल। जैसे ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हैं दे गेट सम मॉइस्चर, तो इनमें कुछ नमी आ जाती है। एंड व्हेन दे स्ट्राइक द कोस्टल एरियाज दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल एंड समटाइम्स दे कॉजेज फ्लड्स इन दीज एरियाज। तो कभी कभी इन क्षेत्रों के अंदर क्या बन जाते हैं, ये बाढ़ के कारण भी बन जाते हैं इन क्षेत्रों के अंदर। आपने देखा होगा कि आपने जो तमिलनाडु का जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरियाज था इराजमा वाला, वहाँ पर जो 26 दिसंबर को 2004 को जो किस प्रकार से सुनामीज जो ओकर हुई थी, वो इन्हीं चीज़ों के, इन्हीं की वजह से ये साइक्लोन्स जो हैं वहाँ पर फटे थे। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशंस। दूसरी तरफ हम यदि क्लाइमेट को देखें तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट जो जलवायु है वो एवरेज वेदर कंडीशंस को बोला जाता है। मौसम संबंधी लंबे समय की जो घटनाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, जिसके कि समय अवधि जो होती है वो वर्षों में होती है, ये पल पल की जो घटित होने वाली घटनाएं नहीं होती हैं, ये जो होती हैं आपकी अप्रोक्सीमेट जो 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, जितने लंबी अवधि को हम क्लाइमेट बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और भारतीय जलवायु के संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय जलवायु जो है मानसून टाइप की जलवायु के अंतर्गत आती है। मानसून टाइप की जलवायु भारतीय जलवायु को बोला जाता है।
मानसून, अब यहाँ पर आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि मानसून क्या है, मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ल्ड, क्योंकि प्रारंभ में जो अरब की अरेबिक वर्ग क्यों है, क्योंकि प्रारंभ में जो अरब के लोग थे, अरेबिक लोग जब भारत के साथ व्यापार करने के लिए आते थे समुद्री मार्गों से, तो वो अपने जहाज़ों की गति जो है पवनों से निर्धारित करते थे, जिधर से पवनें चल रही होती थी उन्हीं पवनों की दिशा में उनके जहाज़ जो हैं समुद्री जहाज़ चल पड़ते थे। इसी से इस जो विंड प्रोसेस था, जो विंड प्रक्रिया थी, जो विंड सिस्टम था, विंड मैकेनिज्म था, इस विंड मैकेनिज्म को ही जो अरेबिक जो ट्रेडर्स थे उन्होंने ही इस विंड मैकेनिज्म को जो है मानसून का नाम दिया था, मानसून शब्द दिया था, इसीलिए इसको जो है अरेबिक वर्ड बोल दिया गया। मौसम से ये बना है, विच मीन्स सीजन्स, जिसके अंदर जो विंड जो सिस्टम है, विंड मैकेनिज्म है, वो परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता है। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, देखिए भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति आपकी शीतोष्ण प्लस उष्ण कटिबंध के अंदर है, शीतोष्ण प्लस उष्ण कटिबंध के अंदर होने के साथ वजह से मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रोट बाय मॉनसून विंड्स, यहाँ पर जो अधिकांश वर्षा होती है वो मॉनसूनी पवनों के द्वारा आती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, और भारतीय जो कृषि है वो पूरी तरह से मॉनसून के ऊपर डिपेंड है। हाल फिलहाल में जो वर्षा जो है वो कृत्रिम जो मैन मेड जो इरीगेशन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड हो गया है। सम पीपल्स हैव डेवलप्ड देयर ओन वेल, सो व्हेन वी कॉल इंडिया द मॉनसून बजट इट इज क्वाइट डिफरेंट टुडे। इन एंशियंट टाइम्स टोटली इंडिया वॉज द गेम्बल ऑन मॉनसून। गुड मॉनसून मीन्स एडिक्वेट रेन, गुड मॉनसून मीन एडिक्वेट रेन, एंड एडिक्वेट रेन मीन्स ए बाउंटीफुल क्रॉप। देखिए अच्छे मानसून का मतलब अच्छी बारिश, और अच्छी बारिश का मतलब अच्छी फसलें। ये जो कि प्राचीन समय में ओल्ड टाइम्स के अंदर भारत के ऊपर लागू होता था, बट टुडे इट इज़ नॉट शो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ऑल द फार्मर्स हैव डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम ऑफ इरीगेशन एंड दे इरीगेट देयर फील्ड्स विद देयर ओन ट्यूब वेल्स। So, irrigation is, agriculture is not totally depend on monsoon today. But somehow we can say that the kharif season of crop, जो हमारा खरीफ का जो सीजन होता है, खरीफ की जो क्रॉप होती है, it is today also depend on monsoon. तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।